हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे क्या कि नीट आखिर कब होगी, और हमारे वीडियो जैसा कि हमने वीडियो में आप सभी को बताया था कि नीट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर के सेकेंड वीक तक जा सकती है। और वीडियो अपलोड करने के जस्ट 2-3 घंटे के बाद ही क्या हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर ने जो नीट की डेट रिलीज कर दी जो कि 12 सितंबर थी। ठीक है, तो हमारा जो प्रेडिक्शन था एकदम करेक्ट गया। ठीक है, लेकिन जैसे कि नीट की डेट में कंफ्यूजन था वैसे क्या हुआ है, अब एनटीए ने एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा किया है वो, एक तरीके से फायदा भी है उसका नुकसान भी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में फायदा क्या है वो भी बताएंगे, नुकसान क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीट में कंफ्यूजन ये आया है नया अब कि एनटीए ने क्या किया है, नीट का जो पैटर्न होता था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पैटर्न वही है, बस उसमें थोड़ा सा क्या किया उन्होंने, चेंज किया है। अब वो चेंज क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट जो होती है उसमें चार पोर्शंस होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, और अभी तक क्या होता है, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बॉटनी के 45 और जूलॉजी के भी क्या आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आप सभी को पैटर्न तो सभी को मालूम ही होगा, लेकिन इस बार चेंज ये हुआ है कि चार सेक्शन में से हर सेक्शन के क्या 45 डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे अब तक, लेकिन अब एनटीए ने क्या किया इस साल कि जो 45 क्वेश्चन आते थे ना चारों सेक्शन में, जो 45-45 क्वेश्चंस आते थे, तो एनटीए ने क्या किया, एग्जाम्पल हम लेते फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का जो पेपर है उसको क्या करेंगे, वो दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया उन्होंने, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए होगा उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अब बचे कितने, 35 क्वेश्चन तो सेक्शन ए में हो गए, अब बचे तो 10 क्वेश्चन है आपके, मतलब 45 में से वो जो सेक्शन बी में आएंगे। लेकिन इन्होंने इस बार चेंज ये किया है कि सेक्शन ए में फिर 35 क्वेश्चन आएंगे वो जो आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस रहेगी, सेक्शन बी में जो है टोटल क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से जो है आपको कोई से भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जाम होती थी स्कूल में आपके कि सॉल्व एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन, कि 10 क्वेश्चन देते थे उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, वैसे एनटीए ने सेक्शन बी में भी किया है, वो आपको टोटल जो है 15 क्वेश्चन देंगे, उसमें से जो है आपको कोई से भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी के आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो इससे फायदा यह है कि आपके सामने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपके पास चॉइस है कि 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप दूसरा क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन इससे दिक्कत यह है, बस एक छोटे सा नुकसान है इसमें, नुकसान यह है कि आपको जो है हर सेक्शन में 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे, मतलब टोटल जो है नॉर्मली 180 क्वेश्चन आते थे, इस बार जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं 200 में से 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी जो है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा उन एक्स्ट्रा जो 20 क्वेश्चन है उनको पढ़ने में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न ऑफ नीट। इसके अलावा आपको जो भी नया पैटर्न आया है उसमें जो भी डाउट्स हो या फिर नीट से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करें ये भी नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत डालने वाले हैं, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और जनरली बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं वो सब वीडियोस हम डालने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।